Welcome to the session, welcome to the sprint and welcome to the grand session जहां पे हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं, बट उसके पहले मुझे कुछ चेक करने दो, बिल्कुल परफेक्टली हो रहा है। हाय बच्चों, वेलकम 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 टू द सेशन जहां पे हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। ये स्प्रिंट जो है, इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम रियल नंबर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस के साथ आपको पता है स्प्रिंट की सबसे बढ़िया चीज क्या होती है कि इस सेशन के एंड पे आप इस चैप्टर के हर एक तरह के क्वेश्चंस को कर पाओगे। आपको बस दो तीन चीजें याद रखना है, क्या क्या? जब आपको कोई क्वेश्चन ना बने, वीडियो को पॉज करना है, स्टॉप करना है, खुद को क्वेश्चन को थोड़ी 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 स्टेप स्टेप करके सॉल्व करना है और फिर आप अपने आंसर यहाँ पे आके देख सकते हो। एकदम शांति से बैठ जाओ, जब तक ये वीडियो चलेगा तब तक आपको बिल्कुल कहीं और नहीं देखना है, पूरा पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि हम विद इन दीज सम सेट ऑफ क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा कितने हैं, बट विद इन दीज सेट ऑफ क्वेश्चंस हम ढेर सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लोर करने वाले हैं और ये आपके बोर्ड्स से कंप्लीटली सिंक्ड अप है, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और सेशन बहुत ताबड़तोड़ होने वाला है। सो ऑल द पीपल, अ बिग वेलकम टू द सेशन, वी गोना स्टार्ट इट एएसएपी, और आई थिंक अगर आप सब रेडी हो तो सेशन की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन विद दैट, ठीक है? तो बच्चों देखो, पहले तो कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन सुन लो आप। 22nd है आज, 23rd है, फिर 24th, ऐसे करके आपके पास लगातार सारे के सारे सेशंस में आपको स्प्रिंट में ये सारे चैप्टर्स कराए जाएंगे जो हमारे टर्म 1 के सेशंस हैं, टर्म 1 के चैप्टर्स हैं। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हर एक सेशन को बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ फॉलो करो, क्योंकि दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस। हर एक सेशन हर दिन मैं आपको 8:30 पे मिलने वाला हूँ, बिल्कुल इसी टाइम पे। इस सेशन की रिकॉर्डिंग कहीं पे आप व्हाट्सएप पे कहीं पे आप रख लो, ताकि आपको प्रॉपरली याद रहे कि यहां से मुझे तरीके से इस चैप्टर को रिवाइज करना है, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है? ये सारा आपके पास डेट है, डिटेल्स है, सब कुछ है। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, आज रियल नंबर्स, कल पॉलीनोमियल्स, ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे, बहुत ही ध्यान से चीजों को कवर अप करेंगे बड़े ही मजे के साथ। लेट्स बिगिन विद द स्प्रिंट। मैं आपको पहले डिविजन बता देता हूं कि कैसे हम सेशन को करने वाले। तो देखो बच्चों, सिंपल सी एक बहुत छोटी बात है जो आपको पता होना चाहिए कि इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। नेल्सन मंडेला ने ये बात कही और उन्होंने बहुत ही सही बात कही है कि जब तक कोई भी चीज प्रॉपरली डन नहीं हो जाती ना, तब तक हम सोचते कि नहीं यार ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, ठीक है? अब आपके बोर्ड्स आपके सामने, कुछ बच्चों को बोर्ड्स टफ लग रहे होंगे, कुछ बच्चों को बोर्ड्स ऑब्वियसली यार, तो क्या करना है आपको? मॉक लगाना है, पेपर्स लगाना है, वीडियोस देखने हैं, फॉलो करना है वीडियोस को और सब्सक्राइब करना है चैनल को, बस आगे बढ़ते हैं, ठीक है? देखो सिंपल सी बात है कि आपके 40 मार्क्स का पेपर आने वाला है, जिसमें आपको बहुत ही क्लियर दो तीन चीजें दी हुई हैं कि क्वेश्चन में आपके एबीसी सेक्शन होने वाले हैं, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ पता है आपको। ये तो बिल्कुल जनरल डिस्क्रिप्शन है जो कि आपको पता है। कई दफा कुछ चीजें नहीं पता होती, जैसे नंबर सिस्टम, मतलब रियल नंबर से आपके आने वाले हैं 6 मार्क्स के प्रश्न। आपके आने वाले बच्चों 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रियल नंबर से आने वाला है, तो बस शुरुआत करते हैं। कहां कहां से आने वाला है सारा कुछ यहाँ पे मेंशनड है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप में से ऑलमोस्ट सबको ये बात पता होगी। पता है तो हिट ऑन द लाइक बटन जल्दी से, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। तो देखो बच्चों, क्या है कि सेक्शन ए जो है उसमें भी एमसीक्यूज है, सेक्शन बी में भी एमसीक्यूज है, सेक्शन सी में भी, बट डिविजन है। हम भी बिल्कुल उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, इस बात पे सब लोग हाई फाइव दे दो और बस स्टार्ट करते हैं। आखिरी में एक होमवर्क क्वेश्चन है, लेट्स बिगिन विद दैट। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 ऑन द स्क्रीन, लेट्स गो। ऐसा करो, वीडियो को पॉज कर लो, कर लो। फॉर्मूले को याद कर लो। फॉर्मूला क्या कहता है? एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है? LCM क्या है आपका? फॉर्मूला पता है ना? LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स जिनका आप LCM और HCF निकाल रहे हो। LCM दिया हुआ है कितना? 36। HCF दिया हुआ है कितना? 2। नंबर्स क्या है हमारे? एक नंबर X है और दूसरा नंबर है हमारा 18। कुछ करना ही नहीं है,
कैंसिल टाइम्स टू, टू टाइम्स टू फोर, द वैल्यू ऑफ एक्स, आंसर खत्म। जितने बच्चों का आंसर अगर पहले आया था ना बच्चों मेरे से, काफी अच्छी बात है, तुम्हारे लिए तालियां, पता है तुम्हारे लिए तालियां। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे चले, सब लोग बहुत ध्यान से करना, अगला क्वेश्चन बहुत कीमती है, बहुत ही एकदम, ये तो सिंपल था, अगले वाले पे चलते हैं। ये पता है बोर्ड्स में कई बार पूछा गया है, कई दफा हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, बट ये क्वेश्चन ना बोर्ड्स में कम से कम 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। पहले तो कॉम्पोजिट और प्राइम की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। सर कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, प्राइम एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, लीस्ट प्राइम नंबर क्या है 2, और लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या है 4। पता है ना, 1 तो नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, 2 प्राइम, 3 प्राइम, पहला नंबर 4 है जिसके 3 फैक्टर्स हैं, ये 2 से ज्यादा है, 1 है 2 है और 4 है। पहले इनका एलसीएम निकालो, 2 और 4 का एलसीएम आ रहा है बच्चों 2 और 4 का 4। हाँ सिंपल सी बात है। एचसीएफ आ रहा है 2 और 4 का, क्या एचसीएफ आ रहा है बच्चों 2। इनका रेशियो निकालने को बोला है तो 4:2 आंसर आएगा, 2:1, दैट्स द करेक्ट आंसर विथ नो डाउट्स। स्प्रिंट है, स्पीड बढ़ाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लाओ। एवरीबॉडी कम ऑन, हैव अ लुक ऑन दिस। द प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशन, दिस डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है आपको, इसके प्राइम फैक्टर्स बताने, इसके नहीं, ना ना ना, नंबर के नहीं, नंबर के नहीं, इसके डिनोमिनेटर में जो नंबर आने वाले ना उसके प्राइम फैक्टर बताने हैं आपको। सिंपल है, सबको पता क्या करेंगे। हाँ हाँ फिफ्थ वाली बात, 44 123 अपॉन 1000। हाँ भाई यही करेंगे, गिव मी हाई फाइव, यस बोल दो चैट बॉक्स। अब भाई कैंसलेशन तो पॉसिबल नहीं, होता तो हम डेसिमल थोड़ी ना दिखते, कैंसलेशन नहीं हो सकता, सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता। तो अब आप इसके 1000 को प्राइम फैक्टराइज कर दो, 1000 को प्राइम फैक्टराइज करते हो तो आंसर आता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 500, 2 मल्टीप्लाइड बाय 250, 2 मल्टीप्लाइड बाय 125, 5 टू द पावर 3, या फिर कह लो 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर 3, आंसर आ गया 4, 4, 1, 2, 3 अपॉन 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर 3। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर के, दे आर 2 एंड 5, नो डाउट्स। यार हर क्वेश्चन जब मैं एक्सप्लेन कर दूं तो पॉज कर दिया करो वीडियो को, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया करो, फिर फर्दर वीडियो को देख लिया करो, दैट्स इट, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी। चलो थोड़ा ठीक है, मतलब कह सकते हो आप अच्छा क्वेश्चन है, कह सकते हो आप। अब देखो एक बात सोचो आप, वो कह रहा है 2 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपने 221 निकाला है। क्वेश्चन कह रहा है प्राइम नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय प्राइम नंबर 2 इज इक्वल टू 221। क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ देता हूं, मेरे पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर क्वेश्चन सॉल्व करते ना बने तो फिर वीडियो को 10 सेकंड के लिए प्ले करना, मैं आपको एक हिंट दूंगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो मैं आपको वीडियो प्ले करने के बाद, आप एक काम करना इसको प्ले कर देना, मैं आपको एक हिंट दूंगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। ये मैं सब क्वेश्चन में ट्राई करने वाला हूं। एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर पी एंड क्यू इज 221। याद रखो जब दो प्राइम नंबर्स का एलसीएम निकालते हो तो एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ दोस प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल के लिए देख लो, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, उनका प्रोडक्ट। 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, उनका प्रोडक्ट। 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा, उनका प्रोडक्ट। 5 और 11 का एलसीएम क्या होगा, उनका प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है। तो 221 अगर हमें चाहिए तो क्या क्या हो सकता है, मतलब व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी, और पी ग्रेटर देन क्यू होना चाहिए। अब क्या करेंगे, तो हमें ना वो पेयर ढूंढना पड़ेगा, वो कौन से दो नंबर से जिनको मल्टीप्लाई करने पर 221 आ रहा है। हम देख रहे हैं आखिरी डिजिट 1 है,
अब आखिरी डिजिट वन है, तो हम या तो पॉसिबिलिटी ये रख सकते हैं, अगर आखिरी डिजिट वन है, यहाँ पे वन हो और यहाँ पे भी वन हो, मतलब कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाइड हो, 31 times of 41, दोनों के दोनों प्राइम है, बट पॉसिबिलिटी नहीं है। आप देख रहे हो 221 कब आएगा, जब आपको पता है कि 20 multiplied by अगर हम 10 करते हैं तब 210 आता है, मतलब नंबर कहीं 20 और 10 के बीच में शायद कोई दो प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, एक बार चेक करते हैं। हमने देखा सर एक 13 और 17 को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आखिरी डिजिट वन आती है, तो लगा अरे वाह। हमने क्या किया, 13 और 17 को मल्टीप्लाई किया और पता चला आंसर 221 ही आ रहा है, लो कर लो बात। जब 221 आ रहा है तो पता चला कि P इज ग्रेटर देन Q, मतलब P हमारा हो गया 17, Q हमारा हो गया 13। आंसर निकालो, 3 times of 17 minus 13, 51 minus 13। आंसर बड़े ही शानदार तरीके से सी निकाल सकते हो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, कर लेना घर पे एक बार ही दोबारा। लेट्स डायरेक्टली जंप टू द सेक्शन बी पार्ट। देखो सेक्शन बी के क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल हो, थोड़े से टफ होते हैं, ज्यादा टफ नहीं, थोड़े टफ। आपको क्या करना है, व्हेन द गोइंग्स गो टफ टफ गेट्स गोइंग, याद रखना। जब रास्ते मुश्किल हो जाते हैं तो जो स्ट्रांग लोग होते हैं ना वो चलते रहते हैं, और स्ट्रांग तो हम सब होते हैं, तो मतलब हम सब चलते रहते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है चलो, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन बढ़िया सा करते हैं, बिल्कुल सिमिलर लाइन पे है, और थोड़ा समझने की कोशिश करो कि 3 bells हैं जो 4 minute 7 minute और 14 minutes के इंटरवल पे खुद के बज रही, मतलब जैसे मान लो जो पहली बेल है ना वो पहली बार बज रही है अगर 6 से 6 बजे, तो अगली बार वो बज रही है 6:04, नेक्स्ट टाइम इट इज रिंगिंग एट 6:08, मतलब 6:08 पे, नेक्स्ट टाइम 6:12, मतलब 4-4 मिनट के गैप में वो बज रही है। दूसरी वाली जो बेल है वो 7-7 मिनट्स के गैप में बज रही है, मतलब अगर पहली बार 6 बजे तो नेक्स्ट टाइम 6:07 पे, देन 6:14, देन 6:21 में, 7-7 इंटरवल। सवाल ये उठता है कि अगर ये सारी बेल्स पहली बार 6 बजे बज चुकी हैं, 6 AM पे बेल नंबर वन, बेल नंबर टू, बेल नंबर थ्री बेला चाओ, ओ सॉरी। ठीक है, अब आपको बताना है कि कब ये दोबारा, व्हेन दे विल अगेन रिंग टुगेदर। आपको पता है अगली बार ये बजेगी 4th मिनट पे, अगली बार ये बजेगी बच्चों 8th मिनट पे, आपको पता है बहुत अच्छे से, अगली बार ये बजेगी बच्चों 12th मिनट पे, नेक्स्ट टाइम 16th, नेक्स्ट टाइम 20th, नेक्स्ट टाइम 24th, नेक्स्ट टाइम 28th, सो ऑन करके। ये मैं हिंट दे रहा हूं देखो, और अब आप जिन बच्चों को समझ में आ गया क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन करो, कुछ और मत करना। ठीक है, बेल टू जो है 7 मिनट्स, मतलब पहली बार बजेगी वो 7 मिनट पे, अगली बार बजेगी वो 14th मिनट पे, अगली बार बजेगी वो 21st मिनट पे, अगली बार वो 28th मिनट पे। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं मैं, बाकी मैं आपको एक सिंपल मेथड बताऊंगा। जो बेल थ्री है पहली बार 14th मिनट पे, अच्छा जो बेल थ्री है वो 14th मिनट में बेल टू के साथ बजी है, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, लेकिन अगली बार जो बेल थ्री है वो बजेगी 28th मिनट। तो पता चला कि सर 28th मिनट पे ना ये सारी बेल्स एक साथ बज गई, तो सर पता चला कि 6:28 में ये सारी बेल्स एक साथ दोबारा बजेंगी, सिंपल है। लेकिन अभी हम बार बार तो नहीं कर सकते ना, है ना, आप देखो ना जो बेल वन है वो 4 के मल्टीपल्स में बजेगी, बेल टू है वो 7 के मल्टीपल्स में बजेगी, और बेल थ्री 14 के मल्टीपल्स में बजेगी, तो हमें वो कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा और वो लोवेस्ट होना चाहिए, क्योंकि पहली बार हमें देखना है कि पहली बार ये एक साथ कब बज रही है, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल किसका, 4, 7 और 14। 4 is 2 to the power 2,
7 इज 7 टू द पावर 1, 14 इज 2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड टू 7 टू द पावर 1, बस 2 और 7, 2 टू द पावर 2, 7 टू द पावर 1, आंसर आ जाएगा सिंपल से बात है 28। तो 28th इज दैट मिनट जहां पे तीनों एक साथ बजेंगी, तो 6 बजने के बाद 28th मिनट में ये एक साथ बजेंगी, मतलब 6:28 पे 6:28 AM। डन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी आंसर। मतलब अगर ये क्वेश्चन हमसे ना बने ना, तो समझ लो कि तुम भाग नहीं रहे हो, पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, हद से ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये। सुनो, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825, ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि सर जो 3825 होता है ना, एक तो वो हमारा 5 से डिविजिबल है, कितना डिविजिबल है पता करें आप, पता है ऐसे लिख सकते हो 3825, इसको आपने जो 5 से डिवाइड किया तो यहां आएगा मेरे ख्याल से कुछ 7, तो 35 हो जाएगा, 32 बचेगा, तो 765 आई थिंक सो, फिर से 5 से होगा तो ये हो जाएगा 1, पता नहीं 126, तो 5 और यहां पे आ जाएगा 3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फिर से करोगे तो मेरे ख्याल से 3 टाइम्स ये हो जाएगा कुछ 51, फिर से करोगे तो 3 टाइम्स ये हो जाएगा 17 है, बस 5 का स्क्वायर 3 की पावर 1, सॉरी 3 की पावर 2 और 7 की पावर 1, 17 की पावर 1, मतलब आप इसे तो 5 टू द पावर 2, वैसे पहले ना छोटा वाला प्राइम नंबर लिखा करो, 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 17 टू द पावर 1, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी करेंगे अगला वाला, जल्दी जल्दी जल्दी, एवरीबॉडी एवरीबॉडी एवरीबॉडी, इसके लिए एक लॉजिक सुन लो बस, इसके लिए एक लॉजिक सुन लो बस, कई दफा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि अरे सर ये टर्मिनेट नहीं होगा, क्यों, उनको लगता है कि सर 120 में ना वो हो रहा है, सर 120 में ना एक प्रॉब्लम हो रही है, सर 120 में 3 इज द कॉमन फैक्टर और 3 इज द प्राइम नंबर विच शुड नॉट बी देयर इन द डिनोमिनेटर, बट इट कैन बी देयर बिकॉज आप देखो वो कैंसिलेशन हो रहा है वहां पे, देखो जरा 147 120 कैंसिल हो रहे हैं 3-3 से, देखो जरा हो जाएगा, हो जाएगा, तो 147 और 120 जब आप इनको 3 और 3 से कैंसिल करोगे तो ऊपर आ जाएगा बच्चों क्या 49 और नीचे आ जाएगा बच्चों 40। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, मतलब ये चांद सा रोशन क्वेश्चन और लिखा हुआ जो है सुनहरा है। चलो ठीक है, आगे आंसर, ठीक है, अब कुछ मत करो, कितने डेसिमल बाद ये एंड होने वाला है, कई दफा बच्चे क्या करते हैं 49 से डिवाइड कर लेते हैं 40 को और चेक कर लेते हैं, दूसरा तरीका बेटर है, सुनो 49 आप 40 को क्या करो, प्राइम फैक्टराइज कर दो, तो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5, और यू कैन राइट इट एज 49 अपॉन 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर 1, आपको अगर चेक करना है कि कितने डेसिमल डिजिट बाद ये टर्मिनेट होने वाला है, उसका सिंपल तरीका है 2 और 3 में से जिसकी भी मैक्सिमम पावर हो, और जो भी मैक्सिमम पावर हो, 5 की पावर 1 है 2 की पावर 3 है, जो भी मैक्सिमम पावर होगी उतनी ही डिजिट्स के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, इसको बोलते हैं बच्चों टाटा बाय बाय। अब मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया कि सर 1 अपॉन 2 टू द पावर 18 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर 16, सर ये कितने डेसिमल डिजिट बाद टर्मिनेट होगा, सवाल तो अच्छा है, ये बच्चों पता है कितने डेसिमल डिजिट बाद टर्मिनेट होगा, 18 डेसिमल डिजिट बाद, तो जो भी दोनों की पावर्स है ना उनकी जो मैक्सिमम पावर है उतने डिजिट्स बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। चलो क्या बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी, अरे ये डन, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 23 अपॉन 2 टू द पावर 3 5 टू द पावर 2 विल बी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इतना सिंपल, डन, 10 सेकंड का सवाल है कि नहीं है,
ये 10 सेकंड का सवाल है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ठीक है, सारे 1 मार्क्स के हैं यार, है ना, ये इसमें टाइम मत लगाना, सारे 1 मार्क्स के सवाल है, सारे 1 मार्क्स के सवाल है। आपके सीबीएसई में कोई बाइफरकेशन नहीं है, आईसीएसई में कुछ सेक्शन भी आई थिंक 2 मार्क्स का है, बट आपका सब 1 मार्क्स का। ठीक, डन हो गया। पता कैसे, आपको पता होना चाहिए, पहले मैं खुद को थोड़ा ऊपर कर लूं, वरना खुद को खो कर तुझको पाया, इस तरह से मुझको स्प्रिंट आया। चलो सुन, तो 23 हो गया ना सिद्धांत, 23/3, देखो 2 to the power 3 और 5 to the power 2। हमें पता है कि अगर 2 और 5 ही हमारे डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं, सब चिल है, सब चिल है। क्यों? अरे ये दोनों प्राइम फैक्टर्स जो है ना, 2 और 5, सर सुनो, तो सर जो 2 और 5 हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं, उनमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑल गुड, ऑल गुड, नो प्रॉब्लम। तो ये टर्मिनेटिंग होगा पक्की बात। ठीक है, याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग याद रखो, याद रखो भाई, याद रखो। ठीक है सर, नॉन टर्मिनेटिंग कब हो जाता? अगर यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 2 to the power 3, 5 to the power 2, कोई और प्राइम नंबर होता, जैसे 3 to the power 2, भाई 3 आ गया, पक्की बात है ये नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आ गया। और नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग ये कुछ होता नहीं है, बट हाँ मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, हाँ मतलब वही है, सेम 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 चीज, सेम चीज, सेम चीज, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैटेगरी में आता है। ठीक है ना, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग दो चीज होती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, चलो परफेक्ट है। सेक्शन सी केस स्टडी, एवरीबॉडी रीड द क्वेश्चन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विक एवरीबॉडी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर पार्टिसिपेंट्स विल बी एजुकेटर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। The number of participants in Hindi, English, mathematics are 60, 84 and 108. Easy. Definitely a super approachable question. I think you should be giving the correct answer on this. Quick everybody. A very, very approachable question. Are we done? Are we done? मतलब क्वेश्चन तो दिखा दो। चलो ठीक है, तो यार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स, ठीक है, हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स कितने कितने लोग हैं, 60, 84, 108। ठीक है, हिंदी के अपने पास 60, 84, 108। ठीक है, इन ईच रूम द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, वाह, the maximum number of participants that can be accommodated, HCF। कैसे आप चाहते हो कि सारे के सारे लोग, पहली बात तो हिंदी 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 वाले एक रूम में बैठे, क्या चाह रहे हो आप, देखो जरा, ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स अकोमोडेटेड इन ईच रूम। आपको चाहिए कि भाई साहब अगर हमारे पास भले ही 100 रूम हो, हमको फर्क नहीं पड़ रहा, बट अगर एक रूम है तो इसमें एक भी इंग्लिश वाला बंदा नहीं बैठना चाहिए। तो मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि पहले तो इनके कॉमन फैक्टर निकाल लो, बहुत सारे कॉमन फैक्टर हो सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कैन बी अकोमोडेटेड इन वन रूम। इसका आपको थोड़ा लॉजिक समझाऊंगा, ध्यान से देखो। एचसीएफ निकाला आपने, चलो पहले हम 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 times 2 times 3 times 5, 84 का करते हैं, मेरे ख्याल से 4 times 21 होता है यहाँ, तो ठीक हो गया, 2 to the power 2 times of 3 to the power 1 times of 7 to the power 1, 108 क्या होता है, 9 times of 12 होता है मेरे ख्याल से, ये तो ये हो जाएगा 2 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 times of 12, मतलब 36 times of 3, मतलब 3 to the power 2 मल्टी 3 to the power 3 कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, इजी है। चलो तो अब ऐसा हो गया, ठीक है, आप देख रहे हो HCF निकालना है आपको, तो HCF में पहले आप कॉमन फैक्टर निकालो, कॉमन फैक्टर है आपका 2 और 3, इसकी आपको क्या लोएस्ट पावर्स देखनी है, 2 की लोएस्ट पावर क्या है 2, 3 की लोएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो 3 की लोएस्ट पावर बच्चों है पता है क्या, 1, कहां पे, यहां पे। तो बच्चों 2 टू द पावर 2 होता है 4, टाइम्स ऑफ 3 निकालोगे आप तो 12 जो होगा वो आपका HCF होगा। अब मैं आपको इसका रीजन बताता हूं क्यों हम निकाल रहे हैं।
ध्यान से देखो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से देखो, ये क्या हो रहा है यार। नहीं, चलो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, 60, 84, और 108। अगर 12 लोग हैं, 12 मैक्सिमम लोग हो सकते हैं जो एक साथ बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 12 लोग हैं तो हिंदी की 5 क्लासेस बनेंगी। हाँ यार, टोटल टोटल हिंदी के 60 लोग हैं, ठीक है, 12 12 लोग को एक क्लास में बैठाना है, 12 पीपल इन वन क्लास। तो टोटल हिंदी के लिए कितनी क्लासेस हमें लेनी पड़ेंगी? 5। तो 5 क्लासेस में सारे के सारे हिंदी वाले लोग आ जाएंगे, हमें किसी भी इंग्लिश वाले को हिंदी में शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, और मैक्सिमम लोग भी हमने रख लिए एक क्लास में। अब अगर लोग मैक्सिमम होंगे, सेटिस्फाइंग द सिचुएशन कि सारे हिंदी वाले एक क्लास में बैठे, सारे इंग्लिश वाले अपनी सिर्फ इंग्लिश वाले ही उस क्लास में बैठे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, हिंदी में कितने बच्चे थे? 60, इंग्लिश में 84, और मैथ्स में 108। इतने इतने बंदे हैं, स्टूडेंट्स। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रूम कितने होंगे? 12 12 12, ऑब्वियसली सबके 12 12 स्टूडेंट्स इन वन रूम। तो आपको हिंदी के कितने रूम रिक्वायर्ड हैं, इंग्लिश के लिए कितने रूम रिक्वायर्ड है, और नंबर ऑफ रूम्स फॉर मैथ्स कितने रिक्वायर्ड है, बताओ। एकदम आराम से सवाल हो जाएगा, सारे रूम्स को ऐड कर दो, क्योंकि अभी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हैं, तो ऑलरेडी मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स आएंगे। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हैं तो ऑलरेडी मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स आएंगे, ठीक है, अब निकाल सकते हो। काफी बढ़िया क्वेश्चन है वैसे ही, ठीक है, आपने ऑलरेडी मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल ले लिए। अब 12 से ऊपर तो हिंदी की एक क्लास, मतलब एक क्लास में आप हिंदी के बंदों को बैठा ही नहीं सकते हो, 12 से ऊपर आप इंग्लिश के बंदों को नहीं बैठा सकते एक क्लास में। क्यों? अगर आपने इंग्लिश में एक में 13 बैठा लिए तो हो सकता है आपको एक इंग्लिश वाले को हिंदी में शिफ्ट करना पड़े, विच इज नॉट अ पॉसिबल ऑप्शन। तो HCF तो निकाला, अब नंबर ऑफ रूम निकालो, जो कि हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। हिंदी के लिए कितने रूम चाहिए? टोटल स्टूडेंट्स अपॉन स्टूडेंट्स इन वन रूम, 5। इंग्लिश के लिए कितने रूम चाहिए? 7। मैथ्स के लिए कितने रूम चाहिए? पता है कितने? 9। अब सुनो, सारे रूम्स को ऐड कर दो, 5 रूम चाहिए आपको हिंदी के लिए, 7 रूम चाहिए आपको, 7 रूम यू नीड फॉर अंग्रेजी और इंग्लिश, फॉर मैथ्स यू नीड 9 रूम्स। टोटल नंबर ऑफ रूम्स यू नीड इज गोइंग टू बी 21। दैट्स द करेक्ट आंसर। क्या बात है, क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, एक बार वापस इसका रिप्ले देख लेना आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दोबारा इसको प्लेबैक कर लेना वहां से, ठीक है। अरे 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 अरे, नहीं करना है, होमवर्क है, दो क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। पहला तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है, मैं इसके आंसर तो आपको दिखा दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बहुत इजी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है सबका, ठीक है। अरे यार, ये तो अभी निकाल लिया यार, ओ माय गॉड, HCF तो निकाल लिया ना हमने, HCF तो आ गया इनका, क्या HCF आया था हमारा? HCF 12 आया था, अब LCM निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमने ऑलरेडी कर लिया इनका, खत्म भाई, क्या चाहिए इसमें? 60, 84 और 108, इसका क्या आया था? 4 होता है ना, तो 2 टू द पावर 2, फिर 15, तो 3 टाइम्स 5, तो 3 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर 1, 84 टू 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 टू द पावर 1, क्या बात है, ये होता है 2 टू द पावर 2, पता नहीं 36 ना, 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 3, शायद सही सही सही, ये होता है। HCF निकाल लिया आपने 12, LCM निकालना है, LCM 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 सारे पहले प्राइम फैक्टर्स एक साथ लिखो, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, सबकी मैक्सिमम पावर उठाओ, 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, 3 की मैक्सिमम पावर 3 है, 5 की मैक्सिमम पावर 1 है, 7 की मैक्सिमम पावर 1 है, सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपका LCM निकल के आ जाएगा, ऑलरेडी हमें फॉर्मूला पता है LCM निकालने का, ठीक है, निकाल लोगे और इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रोडक्ट ऑफ LCM और HCF आ जाएगा। एक गलती मत करना, कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर वो वाला फॉर्मूला नहीं लग जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, नहीं लगेगा, वो दो नंबर्स के लिए वैलिड होता है, तीन के लिए नहीं। अब बोलोगे सर एक क्वेश्चन लगाए थे सर, वहां वैलिड था,
एक क्वेश्चन के लिए कुछ वैलिड होता है, इसका मतलब नहीं कि वो पूरे सारे के सारे क्वेश्चन बिरादरी के लिए सिमिलर हो, सेम हो, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, बहुत गंदा क्वेश्चन है, ऑलरेडी कर दिया है हमने तो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिमिलर है, बस आप एक ये वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना बच्चों, विच इज बेसिकली अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, नॉट 6n, इट्स 6 टू द पावर। ठीक है, 6 टू द पावर। अब देखो बच्चों, स्प्रिंट वाला सेशन तो हमारा आज के लिए फिलहाल यहीं पे हम खत्म करते हैं। ठीक है, हमने अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस शुरू किए, खत्म किए। एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, वो क्या है बच्चों, देखो समय जो होता है ना बहुत ही कीमती होता है। टाइम इज अ वेरी प्रीशियस, आप कह सकते हो चीज। आपके पास हजारों चीजें हो सकती हैं, घर हो सकता है, बंगला हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, मेरे पास क्या है, मेरे पास समय है। समय से बड़ा कुछ नहीं होता बच्चों। ठीक है, समय अगर, तो समय का मतलब क्या होता है, आपके पास अभी समय है, समझ रहे हो? समय का मतलब क्या है, यू हैव टाइम टू अप्रोच योर पेपर, यू हैव अ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द पेपर जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो पिछले 1 साल से। तो अगर यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा है जिसकी प्रिपरेशन में अभी भी 4 चांद नहीं लग पाए हैं, अभी भी आप सोच रहे हो कि काफी कुछ प्रिपेयर करने को बचा हुआ है, तो डू नॉट मिस द चांस एंड गो एंड ज्वाइन दिस। ये क्या है थोड़ा मैं बता देता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे जाओगे तो आपको एक जगह एनरोल करने का ऑप्शन आएगा, दैट इज टर्म 1 क्रैश कोर्स, टर्म 1 प्लस टर्म 2 एंटायर सिलेबस। 1 मंथ के लिए भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आप, फॉर द एंटायर ईयर ऑल्सो। डू नॉट मिस इट एनी हाउ, यू कैन कॉम्पीट विद द स्टूडेंट्स, यू कैन हैव इंटरक्टिव रीप्लेस, क्विजेज, लीडर बोर्ड, एवरीथिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम। एक बात बताओ, आपको नहीं लगता कि इस आखिरी महीने में मेरी प्रिपरेशन में एक फुल ऑन फोर्स लगाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए? ये वो फ्यूल है जो आपके रॉकेट को प्रोपल्शन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो बस डू नॉट फॉरगेट इट एंड गो फॉर इट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत ही बढ़िया तरीके से लिंक डिस्क्राइब्ड है, सब कुछ गिवन है, डू नॉट मिस इट, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। और ये आपका, अगर आप जाना चाह रहे हो तो डीपी प्रो इज द कूपन कोड विच यू कैन अप्लाई। ये लिख देता हूँ, DPPRO, इससे आपको ढेर सारा डिस्काउंट मिल जाएगा। बस यही कहना था आपसे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम, लॉट्स ऑफ लव, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, उनको बता दो कि कुछ बहुत अच्छी स्प्रिंट की सीरीज यहाँ पे चल रही है, मिस ना करो, हर एक लेक्चर को फॉलो करो और सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।